जोहार, नमस्कार। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार, भूख से भी कैसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। सेवा लोक अदालत के माध्यम से सेवा में जो लोग रहे बरसों बरस तक, उनके पेंशन नहीं मिल रहे हैं, उनके पीएफ नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी तरह की दिक्कतें हैं। कैसे उन लोगों का रास्ता आसान करती रही है, इन सब मुद्दों पर कानून की बात में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं झालसा के सदस्य सचिव मोहम्मद साकिर साहब, स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार। एक तो हम लोग शुरू करें इसी से कि जो भूख के विरुद्ध लड़ने का संकल्प का आप लोगों ने हस्तक्षेप शुरू किया है, वो क्या है, योजना क्या है? देखिए, एक सिमडेगा में कुछ दिन पहले आपको पता होगा एक इंसिडेंट हुई थी, इसमें संतोषी मुर्मू जो है नाम की बच्ची जो है भूख से मर गई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के इंसिडेंट हमारे राज्य में ना हो, और एक इंसिडेंट ऐसी बोकारो में भी हुई थी, तो उस इंसिडेंट को रोकने के लिए झालसा ने एक स्कीम बनाई, झालसा इफेक्टिव इंटरवेंशन फॉर रिड्यूसिंग हंगर एंड प्रिवेंशन ऑफ स्टार्वेशन डेथ स्कीम 2020। 26 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया पूरे स्टेट में। उसी में इस स्कीम को जो हमने लॉन्च किया है, और हमारे ऑनरेबल CM जो हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने इसको ऑनलाइन वर्चुअल जो हमारा सेलिब्रेशन प्रोग्राम उसमें इसको लॉन्च किया। इसमें हम लोगों ने ये किया है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट अनाज देती है गरीबों को, SC ST हैं, वीमेंस हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे जिन लोगों को खाने की प्रॉब्लम है, उनके पास ये कंडीशन नहीं है कि सोर्सेज नहीं है कि वो कर सकें, इस स्कीम से के ज़रिए हम लोग, हमने कमेटी बनाई है डिस्ट्रिक्ट में, टीम बनाई है, गवर्नमेंट की उन स्कीम से हम उन लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे परिवार के लोगों को, कि उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। अब आप कहेंगे कि झालसा इसमें क्या करेगा? या नहीं, अपने यहाँ जो स्कीम्स है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के स्कीम्स में BPL है जी, BPL के कई कैटेगरीज हैं, अंत्योदय है और ये है वो है, उसके तहत जो लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं तमाम लोगों को अन्न देने की योजना है जी। जी जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनको फ्री में अनाज देने की योजना है, किसी को 2 रुपये किलो देने की योजना है, इस तरह की योजनाएं हैं। उन योजनाओं के अलावा पंचायतों में, ग्राम सभा में कुछ अनाज रखने की बात है, ताकि ऐसे लोग जिनका नाम नहीं दर्ज कराया जा सके, उनको जरूरत पड़ने पर पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी दी गई है कि वो देखें कि उनको अनाज, भूख से नहीं मरे, अनाज उपलब्ध कराएं। झारखंड में जो सिचुएशन है वो सिचुएशन थोड़ा भिन्न है दूसरे राज्यों की तुलना में। वो भिन्न इसलिए है कि यहाँ बड़े पैमाने पर पलायन होता है। पलायन जो होता है, तो ये 20 का जो है कोरोना काल वाला जो पीरियड रहा है, उस पीरियड में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि जिनके रोज़गार थे, जो मुहैया करते थे, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर रोज़गार गया है। और जैसे जैसे ये लोग रोज़गार, पहले सामूहिक जीवन था, अब इंडिविजुअल जीवन होने लगा है, तो भूख है तो भूख बता नहीं पाते हैं, तो ये एक मरने का बड़ा कारण है। तो उनको डिटेक्ट करना सरकार भी नहीं कर पाई, इसीलिए पिछले 5 सालों में अगर देखेंगे, सरकार तो स्वीकारती नहीं है कभी भूख से मरने की बात, स्वीकारती नहीं है, स्वीकारी भी नहीं कोई सरकार हो APCTX। तो 5 सालों में हमको लगता है कि 5-7 लोगों का डेथ हुआ है रिपोर्टेड। तो झालसा इसमें कैसे हस्तक्षेप करेगा? देखिए, हम लोग जो है 2-3 काम करेंगे जी। इस स्कीम में जो लिखा भी है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इस स्कीम का, पहली बात तो ये कि हम अवेयरनेस कैंप करेंगे। हमारी जो टीम है वो डिस्ट्रिक्ट में जा करके DLSA के जरिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए, उसमें पैनल एडवोकेट हैं, PLV हैं, कुछ ऑफिसर भी हैं, वो टीम बना करके लोगों को अवेयर करेंगे, अवेयरनेस कैंप हम लोग करेंगे विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, कि भाई ऐसे लोग जिन लोगों को परेशानी है उनको, उनका रजिस्ट्रेशन करा करके गवर्नमेंट स्कीम से हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। और एक हमारे जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं ऑनरेबल SC मिश्रा साहब, उन्होंने झालसा के तरफ से एक डायरेक्शन भेजा है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्कीम से हम लोग जब जोड़ेंगे किसी परिवार को या किसी व्यक्ति को, उसमें टाइम लग जाता है, खाना तो उसको अब चाहिए, स्कीम में लगेगा 2 या 3 दिन, तो इसमें क्या होगा? तो हम लोगों का हर डिस्ट्रिक्ट में कॉस्ट फंड है, DLSA के पास रहता है। तो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने ये डायरेक्शन इशू कराया था कोरोना पीरियड में, इनिशियली अप्रैल में, कि अगर कहीं आपको ये लग रहा है DLSA को कि किसी परिवार को तुरंत ज़रूरत है खाने की, मेडिसिन की, तो कॉस्ट फंड से जो चेयरमैन है, जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट से चेयरमैन है DLSA के, वो इमीडिएटली उसको मुहैया करा देंगे, ड्राई राशन हो या जो भी है या मेडिसिन है। तो ये लेटर हम लोगों का गया हुआ है, और कॉस्ट फंड का पैसा अच्छा खासा हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो इमीडिएट रिलीफ के तौर पर तो हम लोग वो कर देंगे, उसमें कोई ज़रूरत नहीं किसी किस्म से जोड़ने की। बस अगर हमारे DLSA की टीम को लगा, उन्होंने रिपोर्ट किया कि ऐसा एक फैमिली है,
इमीडिएटली हम लोग उसको दे देंगे, एक तो ये होगा। इस बीच में हम लोग जब इंटरिम रिलीफ दे देंगे उनको गवर्नमेंट की स्कीम से, BDO CO ऑफिस से कनेक्ट करके उसको स्कीम से जुड़वा देंगे, और उसको लगभग जो गवर्नमेंट स्कीम में 35 kg जो मिलता है अनाज मिलता है उसे जुड़वा देंगे उस फैमिली को। और अलग अलग कैटेगरी, कुछ कुछ लोगों को कई स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, जैसे SC ST के लिए कुछ ज़्यादा स्कीम्स हैं, जनरल वुमेन्स बच्चों के लिए कम स्कीम है, तो मैक्सिमम बेनिफिट कम्प्लीटली जो है उसको BPL में मान लिया गया है। जी जी जी, उनको सबको मिलता है, उनको सबको मिलता है। तो ये टीम हमारी जो है पूरा उसमें पैनल एडवोकेट हैं PLVs के माध्यम से। हाँ, PLVs के हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और गवर्नमेंट स्कीम जो हैं अभी वो, और जो और गवर्नमेंट स्कीम आ सकती हैं तो उससे हम लोग बेनिफिट देंगे। और इस स्कीम का पर्पज़ ये है कि एक भी इंसान झारखंड में भूख से नहीं मरे। इसी में एक छोटा सा और ये जोड़ना है, एडिशन करना है, वो ये कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं भूख से बच्चे। जी, घर में अगर अनाज नहीं है, कमाई नहीं है, तो माँ क्या करेगी? अपना पेट काट के जब तक खिला सकती है खिलाएगी, लेकिन बाद में उसका भी संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ माल न्यूट्रिशन भी एक बड़ा कारण है, इसलिए कि पोषण वाला भोजन को छोड़ दीजिए, सामान्य भोजन भरपेट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो बच्चों को चिन्हित करना, इस तरह के बच्चों को, इसलिए कि पहले एक साधन था कोरोना जब नहीं था तो स्कूल में जाकर के आंगनबाड़ी में जाकर के उनको भोजन मिल जाता था। कोरोना में तो ये दोनों लगभग सामूहिक सारी चीज़ें बंद हैं, तो ऐसे में उनको डिटेक्ट करना है कौन है जिसको ज़रूरत है, कैसे करेंगे आप? देखिए, हम लोग जो है ना, हम लोग पर सबसे छोटी यूनिट जो है लीगल सर्विसेज के पास, वो PLV है, और PLV जनरली जो है वो विलेज के हैं। हर विलेज का लगभग हम लोग कोशिश करते हैं कि एक आदमी रहे, वो डायरेक्ट टच में रहता है उन लोगों के। एक तो PLV हमारा साधन है, PLV इमीडिएटली DLHA को बताएगा। उसके अलावा हम लोग ये करते हैं कि अगर किसी और सोर्स से भी हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कहीं कोई दिक्कत है, तो हम इमीडिएटली वहाँ टीम भेज देते हैं। जैसे कहीं से पता चला कि कहीं प्रॉब्लम है किसी फैमिली को, PLV ने रिपोर्ट नहीं किया हमें, सपोज अखबार में आ गया, कहीं और जरिए से पता चला, कोई चिट्ठी किसी ने भेज दी, हम लोगों का अगर लेटर भी आता है कहीं से, किसी गाँव से कोई आदमी भेज देता, तो हम लोग इमीडिएटली टीम भेज देते हैं। तो जैसे भी इन्फॉर्मेशन DLHA को मिलेगी, वो न्यूज़पेपर हो, लेटर हो, PLV बताया, या कोई गांव का आदमी रिपोर्ट करे, टेलीफोन करे, या थाने के थ्रू पता चले, तो इमीजिएटली हम लोगों की टीम वहाँ चली जाएगी और उसको इमीजिएट रिलीफ जो मैंने बताया और गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट हम लोग खुद दे देंगे। और जहाँ तक मेडिसिन का मामला है, हम लोगों ने उसी दिन एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन साहब ने। उसमें यह है कि अगर किसी बच्चे, औरतें और जो वृद्ध हैं और बाकी लोगों के लिए अगर कोई बीमारी होती है, तो गवर्नमेंट का जो आयुष्मान भारत वाला जो स्कीम है, उसमें जो पूरा के निरोगी भव के नाम से ये स्कीम हम लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो इसमें हम उसको मेडिसिन, ट्रीटमेंट और पूरा जो है उसका रजिस्ट्रेशन भी हम लोग कराएंगे आयुष्मान के साथ, कार्ड बनवा देंगे, और पूरा उसको ट्रीटमेंट मिलेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट अलग से लॉन्च हम लोगों का उसी दिन जो है हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने किया है। तो निरोगी भवा का बेनिफिट मिलेगा, प्लस ये हंगर वाली स्कीम है, और भी प्रोजेक्ट उसमें उस दिन ने लॉन्च किए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए। हाँ, अब ये थोड़ा सा, अभी पिछले दिनों आपको सम्मान भी मिला, सम्मान पर थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले ये चर्चा करते हैं सेवा लोक अदालत जो अभी आपने जी पहले, सेवा लोक अदालत में क्या अचीवमेंट है? देखिए, हम लोगों ने इस बार जो है झारखंड गवर्नमेंट के सभी रिटायर्ड और वर्किंग एम्प्लॉयज़ का, प्लस CCL, BCL, ECL और HEC, इन सब के एम्प्लॉयज़ का हम लोगों ने जो है वो सर्विस लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया था कॉन्स्टिट्यूशन डे पर 26 नवंबर को। इसमें हम लोगों ने लगभग 35,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने बेनिफिट मिला, मतलब 36,000 के लगभग है जिन लोगों को बेनिफिट्स मिला लोक अदालत का, और लगभग हम लोगों का 1400 करोड़ का मॉनेटरी बेनिफिट है, जो मैं लगभग बता रहा हूँ आपको, बेनिफिट जो है लोगों को मिला है इसमें। तो हम लोगों का ये जो रिकॉर्ड था, पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दिया था, तो उसमें 397 करोड़ का मॉनेटरी बेनिफिट था, और प्लस लगभग 10,000 के लगभग हमारा 9,000 कुछ था जो केसेस डिस्पोजल हो गए थे। तो इस बार हम लोगों ने केसेस का भी रिकॉर्ड जो है लगभग 35,000 और प्लस 36,000 लोगों का बेनिफिट्स, 30-35,000 केस और प्लस जो है 1400 करोड़ का मॉनेटरी बेनिफिट। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि इतना बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को मिला, और इसमें 497 कंपनसेट अपॉइंटमेंट हुआ उस दिन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। चलिए, इसके लिए हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं दूरदर्शन की ओर से और दर्शकों की ओर से। क्या सम्मान में, क्या कुछ ये
देखिए इसमें एक सर्टिफिकेट हम लोगों को मिला है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, और एक मेडल मिला है जो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को दिया, वहाँ से एक एजुकेटर आए हुए थे जज। चलिए आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और हम तो ये मानते हैं कि जो नीचे सबसे पायदान पर बैठे हुए लोग हैं उन लोगों तक आपकी पहुँच बन जाए और उन लोगों को मदद मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। आप आए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं संतोष कुमार जी, झारखंड लीगल सर्विस के सचिव हैं। स्वागत है आपका, नमस्कार। धन्यवाद सर। ये कुछ नए स्कीम आपने लॉन्च किया है, ये कौन कौन सा स्कीम है और कैसे लोगों तक ये पहुंचेगा, इसके बारे में बताइए। 26 नवंबर 2020 को सर 5 बजे शाम झालसा ने संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया था, यह वर्चुअल मोड में था। इस दिन भूख से लड़ने के लिए स्कीम, जैसा कि अभी माननीय सदस्य सचिव सर ने बताया, और उसी से संबंधित प्रोजेक्ट, इसके अलावा 3 अन्य प्रोजेक्ट हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, जो हमारे मुख्य संरक्षक भी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। एक जो नशा है इसके विरुद्ध प्रोजेक्ट चेतना, जो ग्रामीण और वनवासी महिलाएं हैं उनके लिए प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता हम लोगों ने लॉन्च किया है, और सबों को स्वास्थ्य, अंतिम आदमी स्वस्थ रहे इसके लिए हम लोगों का अभियान निरोगी भव। ये तीन, एक को हम लोग लें आत्मनिर्भरता को लें, तो आत्मनिर्भरता में क्या है, आत्मनिर्भर कैसे बनाना है सर? जो हमारा राज्य है यह मुख्यतः वन्य क्षेत्र से भरा हुआ है, जिसमें कि हर्ब्स भी हैं सर और वन पदार्थ भी हैं, बड़ी संख्या में लोग रहते भी आसपास, और इसी वन क्षेत्र में सर सही कहा गया, जो एससी एसटी और काफ़ी वनवासी क्षेत्र, वनवासी लोग जंगलों में रहते हैं, जो पीबीटीजी ट्राइबल्स ग्रुप हैं वो भी जंगलों में रहते हैं, तो वनोपज इतना समृद्ध और इतने विविध प्रकार का है कि इससे उन लोगों का काम चल जाता है, ऐसा उन लोगों ने कभी भी शहरों पर अपना निर्भरता नहीं होने दिया है। लेकिन सरकार की ढेर सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, और एक रिट में यह माननीय उच्च न्यायालय में आया भी था कि बहुत सारी योजनाओं का पूरा पैसा लैप्स हो जाता है। तो एक तरफ सरकार के पास इच्छा शक्ति और पैसा है, सरकार ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो हमने यह, हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने यह दायित्व तो अपने ऊपर लिया कि हम इन पैसों का लाभ इसके लाभुक तक पहुँचाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने में महिलाओं की मदद करेंगे सर हम लोग, ताकि उनको बैंक से क्रेडिट लिंकेज मिल जाए, जो वनोपज के आधार पर उन लोगों का क्राफ्ट और खाद्य या यूटिलिटी की सामग्री वो बनाते हैं, उन यूटिलिटी की सामग्री को बाजार मिले इसके लिए हम लोग ब्रिज का काम करेंगे। तो क्रेडिट लिंकेज, जो गवर्नमेंट की पेंशनरी और गवर्नमेंट की मॉनेटरी लाभ वाली योजना है महिलाओं के लिए, उसका लाभ दिलाने में ब्रिज का काम करना, सारा पेपर वर्क, सारी फॉर्मेलिटी हम लोग करेंगे, और लाभ गवर्नमेंट ने जो लाभ सोचा है वो उसको मिले, यह दायित्व अपने ऊपर लिया है। यही यह प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भरता। चेतना क्या है सर? शहरों में जो स्कूल्स हैं या फिर जो बच्चे स्लम्स एरिया में रहते हैं, या जो अनकेयर्ड बच्चे हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, और जो स्कूल्स में 9, 10, 11, 12 में यह देखा जाता है कि जो ड्रग पेडलर्स हैं उन लोगों को आकर्षित करते हैं नशा के प्रति, और जो स्लम एरिया के बच्चे या फिर जो कूड़ा बीनने वाले हैं इनमें जो नशा की प्रवृत्ति है, तो जो इसके विरुद्ध जागरण हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं नालसा की एक स्कीम के नीचे, लेकिन जो बच्चे छोड़ना चाहते हैं उनको काउंसलिंग, उनके इलाज की सुविधा, ये अपने ऊपर अगेन हम लोगों ने दायित्व लिया है बिना सरकार पर एक पैसे का फाइनेंशियल बर्डन डाले हुए। अब ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र में भी जो नशा ने नुकसान किया हुआ है, एक वर्कफोर्स अगर दिन टाइम में नशा करता है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वो पूरे दिन के लिए अपना एक बहुमूल्य जो काम करके देश की आर्थिक उन्नति में, अपने परिवार के आर्थिक उन्नति में योगदान दे सकता था, वो इससे वंचित रह जाता है। तो रिन पास में, सीआईपी में, सदर अस्पताल में, जहां भी बंद पड़ेगा, इलाज कराने का जिम्मा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने अपने ऊपर लिया है। इसमें भी सरकार से एक पैसे का फाइनेंशियल मदद हमने नहीं, इस स्कीम के नीचे नहीं मांगा है। मैंने इसमें पीएलबीज आपको डिटेक्ट करेंगे, उन लोगों को चिन्हित करेंगे, इच्छुक व्यक्ति पीएलबीज को कॉन्टेक्ट करेंगे,
या पीएलबी को पता चलता है, पीएलबी को पता चलेगा तब वह उस व्यक्ति या उसके परिवार के पास जाएगा कि जो अपने स्तर से वह उन्हें यह बताएगा कि आपका इलाज हम सीआईपी इन पास में करवा सकते हैं। यह बुरी चीज है, बुरी चीज है। ये जानने के बाद भी कई दफे लोगों को यह पता नहीं होता है, इलाज और अस्पताल के नाम पर डर जाते हैं लोग कि कितना पैसा खर्च लगेगा, कि क्या बिक जाएगा गहना गुड़िया। तो हम दोनों तरह से उनको जागरूक करके मदद भी करेंगे, केवल जागरूक करके छोड़ नहीं देंगे। तो निरोगी भव क्या है? निरोगी भव सर, राज्य और केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब व्यक्ति को स्वास्थ्य मिले इसका बहुत प्रयास किया है और बहुत सारे संसाधन और पैसा इसमें दिया हुआ है। फ्लैगशिप जो कि सब सर्वप्रथम स्कीम है आयुष्मान भारत, इसके अलावा जो वयोवृद्ध लोग हैं सर उनको मुफ्त में ई संजीवनी ऐप, ई संजीवनी पोर्टल के तहत चिकित्सकीय परामर्श, दवा कौन सी खानी है, क्या जांच करानी है, इस संबंध में मार्गदर्शन के लिए पोर्टल और ऐप भारत सरकार ने लागू किया हुआ है। राज्य सरकार का मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना है, कोई व्यक्ति इलाज के लिए बिना इलाज के न रहे। सही समय पर अगर सर टर्मिनल डिजीज भी किसी को हुआ है, अगर इलाज मिले तो वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। इलाज कराने के लिए कौन कौन से व्यक्ति हैं, अगेन वह व्यक्ति या उसका परिवार, हमारे जो वर्कफोर्स हैं पैरालीगल, हमारे विधिक सेवा संस्थान जो ग्रामीण पंचायत स्तर तक फैले हुए हैं उनको संपर्क करें या ये लोग उनको आइडेंटिफाई करें। दोनों ही स्थिति में उनको आयुष्मान कार्ड हर व्यक्ति को मिले जो लाभुक है, ताकि तत्काल वो कार्ड लेके जाए अस्पताल में, किसी भी चिन्हित अस्पताल में इलाज उसका हो जाएगा। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से अगर वह कवर्ड है उससे उसका इलाज हो जाएगा। वयोवृद्ध लोग हैं तो उनको पोर्टल के माध्यम से हम लोग प्रज्ञा केंद्र या हमारे जो डिजिटल विधिक सेवा संस्थान है वहाँ हम सर ई संजीवनी में उनका रजिस्ट्रेशन करा करके मुफ्त में उनको चिकित्सकीय परामर्श दिलाएंगे। अगेन सारा काम राज्य विधिक सेवा प्राधिकार करेगा, सरकार से एक पैसा का संसाधन लिए बगैर। ये जो स्कीम आपने बताया, ये स्कीम तो गवर्नमेंट की पहले से चल रही है, अब आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, पहले भी हस्तक्षेप कर रहे थे, अब थोड़ा हस्तक्षेप बढ़ाएंगे आप बगैर सरकारी मदद के। लेकिन उनको चिन्हित करना और चिन्हित करके ला करके ये सारा कुछ कराना, उतना हैंड्स है आपके पास कि आप इतना कर सकिए? गवर्नमेंट तो नहीं कर पाई। सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, आपके सवाल का दो पार्ट है, एक एक करके जवाब देंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं इसमें हमारा हस्तक्षेप है, पहले भी था अब बढ़ गया है, पहली बात इसका जवाब देंगे सर, और उसके बाद ये देंगे कि क्या हमारे पास इतना संसाधन है। तो पहले बात का जवाब ये है सर कि 26 तारीख को हमारे माननीय कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति एससी मिश्रा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि कार्यपालिका के क्षेत्र में हम बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम यह मानते हैं और जानते हैं कि सरकार के पास इच्छा शक्ति है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए उन्होंने बजटीय आवंटन किया हुआ है, उन्होंने इसके लिए योजनाएं चला रखी हैं और सरकार के पास इच्छा शक्ति भी इसकी है, आवंटन भी है, इच्छा शक्ति भी है। क्या नहीं है उनके पास? वर्कफोर्स। तो सर हम अपना वर्कफोर्स लगा रहे हैं कि ये देखिए यह व्यक्ति है जिसे कि इलाज की सुविधा चाहिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के लिए, ई संजीवनी के तहत इनको चिकित्सकीय परामर्श चाहिए, आयुष्मान कार्ड के लिए ये लाभुक हैं, आपके पास आयुष्मान कार्ड की योजना और बजट है, इनको उसका लाभ दें। तो सरकार के काम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकार इस तरह से सरकार की सहायता कर रही है। दूसरी बात कि क्या हमारे पास संसाधन है? राज्य में 710 से ज़्यादा विधिक सेवा संस्थान हैं जो सर सभी जिला में हमारे खुले हैं, सभी अनुमंडल में हमारे हैं। हमारे पास 2740 से ज़्यादा प्रशिक्षित पारा लीगल वॉलंटियर्स हैं, 1100 से ज़्यादा हमारे पास पैनल लॉयर्स हैं और इसके अलावा एक दर्जन से ज़्यादा एनजीओज के साथ जो नालसा की 10 स्कीम के नीचे काम करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम मानते हैं कि जितना भी संसाधन हमारे पास है काम करने के लिए सर, काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है, अच्छे लोग काम करने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। एक दो एग्जाम्पल हम चाहेंगे कि आप बताएं जिसमें कि लोग आए आपके पास या किसी ने भेजा उनको और आपने उनको भेजा हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए निरोगी भव योजना के तहत। इसकी कोई सर, ये निरोगी भव जो योजना है राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की, यह 26 नवंबर 2020 को लागू हुआ है।
उसी दिन माननीय न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी मैम ने कहा था कि उन्होंने सिमडेगा जिले में गांव-गांव में भ्रमण करके यह सर्वेक्षण कराने का जिम्मा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैरालीगल्स को दिया है कि कौन से व्यक्ति भूख के कगार पर है, इसी में झालसा कौन से व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता चाहिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी वजह से नहीं मरे, कोई भी व्यक्ति न तो अन्न की कमी से परेशान हो न चिकित्सा की कमी से परेशान हो। तो जैसे जैसे अभी यह योजना 26 नवंबर को लॉन्च हुआ है, हम लोग अगली बार जब आपके पास आएंगे तो बताएंगे कि इस योजना के नीचे हमने कितने लोगों को लाभ ऑलरेडी दे दिया। एक तो सवाल में थोड़ा सा इधर उधर हो, खैर इस प्रसंग को हम छोड़ें। इसमें मूल रूप से इलाके चिन्हित है क्या, जैसे कि आपने एक इलाका बताया डिस्ट्रिक्ट का सिमडेगा, सिमडेगा को आपने माना कि टारगेट, फिलहाल टारगेट है कि वहाँ हम आप व्यापक कराएंगे। झारखंड में जो माना जाता है, जो सरकारी आंकड़े हैं, उसमें सबसे गरीब जिला है पाकुड़, अत्यंत गरीबी वाला इलाका है। इस तरह के और भी इलाके हो सकते हैं, लेकिन पाकुड़ अभी तक पूरे देश में जो सबसे गरीब जिले हैं उसमें एक नंबर में आता है। तो इस तरह के जो जिले हैं वहाँ जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं या DLSA के अध्यक्ष हैं, उनको क्या जिम्मेवारी दी गई है कि इस तरह के जिलों में जो लोग हैं उनको डिटेक्ट करें। पाकुड़ में एक और समस्या है, वो समस्या ये है कि बांग्लादेशी आना जाना फिल्ट्रेशन वाला जो मामला है, तो उसमें बांग्लादेशी है, इसके नाम पर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। आप क्या है, तब भी जब तक कि क्लियर होगा कि बांग्लादेशी है कि नहीं है, तब तक मामला बिगड़ जाएगा। तो इस तरह के लोगों कैसे वो ट्रीटमेंट हो। बहुत अच्छा सर आपने सवाल किया है। मैं आपको बताऊँ सर कि सिमडेगा में हमारा राज्य स्तरीय लीगल एम्पावरमेंट कैंप हुआ था, और उस कैंप में हमारे माननीय कार्यपालक अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्य संरक्षक दोनों ने उस कैंप में हमें आशीष देते हुए उस कैंप में उपस्थित होकर के, और जो लाभ है 1 लाख से ज़्यादा लोगों के बीच में उस दिन लाभ बटा था। वहीं पर हमारे कार्यपालक अध्यक्ष महोदय और मुख्य संरक्षक महोदय ने कहा था कि हमारा अगला कैंप पाकुड़ में होगा, क्योंकि यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की प्राथमिकता में है कि जब भी यह वैश्विक महामारी से मुक्ति मिलेगी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ में व्यापक पैमाने पर 2 महीने का अभियान चला करके लीगल एम्पावरमेंट कैंप करेगी, और वहाँ के जो लोग हैं उनको पेंशन लाभ, चिकित्सकीय लाभ, उनको जितने भी योजनाओं राज्य और केंद्र की योजना का लाभ मिलता है, हमारे पारा लीगल्स, हमारे पैनल लॉयर्स, हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार चिन्हित करेगा, उनके लिए कागज पत्र फॉर्म भरेगा और तय दिन उन्हें लाभ दिलाएगा। चलिए आपको भी बधाई सम्मान और पुरस्कार मिलने के लिए। हमारी इस बातचीत का मतलब होता है, कानून की बात जब भी हम करते हैं हर बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं अपने दर्शकों से कि आप जो सुन रहे हैं वो दूसरे को भी बताइए, ताकि उनकी पहुँच विधिक सेवा प्राधिकार तक, पैरालीगल वॉलंटियर तक हो सके और उनके जो नीड हैं उसको फुलफिल किया जा सके, उनकी मदद की जा सके। मदद क्या कैसे हो सकता है इसके बारे में बहुत सारा बताया, आज तो समय नहीं है, पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन DLSA इतनी मदद कर रहा है, झालसा इतनी मदद कर रहा है, जिसके चलते उनको सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। आप सब की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नमस्कार सर।